हाय सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और कैसे हैं आप लोग दोस्तों। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? ठीक ठाक मजे में होंगे। अनिकल अनिकल बोलो यार, शिट, ओह अनिकल नहीं यार। दिस इज रिएक्शन रिप्ले। और आप लोग कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आज हम आप लोगों के लिए कैसी चीज लेके आए हैं, रिएक्शन वीडियो। और दिल चाहता है कि पूरा इंडिया घूमूं, मेरा दिल चाहता है कि हम पूरा दुनिया तो घूम नहीं सकते लेकिन पड़ोसी मुल्क तो जा सकते हैं, इंडिया घूम सकते हैं। और इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। और जो वहाँ पे जो पुरानी जो क्या बोलते हैं सारे कदीमा की चीज़ें हैं वो देखने की चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें होती हैं वहाँ पे पुराने ज़माने की, बहुत ओल्ड 100 साल 200 साल पुराने जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, जो बादशाह ने बनाई थी, वो सब देखने अच्छा लगता है। कुछ हमारे मुल्क में भी हैं, कुछ इंडिया में हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं देखने के लिए, उनकी खूबसूरती जो है बहुत ज़बरदस्त लगती है। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे वो चीज़ें। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, आपकी पसंद की वीडियो लेके आए हैं बिल्कुल। आज हम दिल्ली एक सिटी है, उसकी हम शेयर करेंगे हम दिल्ली की शेर बोलते हैं या तफरी करेंगे। और हम भी देखेंगे दिल्ली शहर कैसा है और दिल्ली में क्या क्या हो रहा है और दिल्ली के बारे में हम जानेंगे। वीडियो का नाम है दिल्ली टूरिज्म प्लेस विद, जो दिल्ली की जो जहाँ पे लोग बाहर से लोग आते हैं टूरिस्ट की जो प्लेसेस होती हैं वो दिखाएंगे इस वीडियोज़ में। और हम भी देखेंगे इन वीडियो को और इनकी भी इनकी चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा इनके साथ साथ। शुक्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करिएगा क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिलनी चाहिए। टेंटना चले हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और लेट्स गो। हम वीडियो शुरू करेंगे तो सबसे पहले 4-5 सब्सक्राइब ज़रूर हो जाने चाहिए यार, हमें 10,000 सब्सक्राइबर चार बहुत टफ मुकाबला है। तो प्लीज़ कम ऑन यार, जो जो देखे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। और एंड से ले शुरू से लेकर एंड तक वीडियो ज़रूर दिखा करेंगे, इन्जॉयमेंट करा करें हमारे साथ प्लीज़। अगर जो चीज़ समझ में ना आया हमसे पूछ लिया करें कमेंट्स में, हम जवाब आप लोगों का कमेंट्स में देंगे और आपके साथ रहेंगे आपके दोस्त बन के। चले हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं, लेट्स हैव अ गो। दिल्ली देखते हैं, दिल्ली सिटी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिसलाइमर। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं कहां पर हूं ये बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। ये है मेरे पीछे इंडिया गेट, मैं हूं दिल्ली में और ये है देश की राजधानी हमारे। तो दिल्ली आप कैसे घूम सकते हैं यहां पे, क्या आपका टूर प्लान होगा, क्या बजट होगा और साथ ही साथ यहां पे कौन कौन सी दिल्ली के जो पीछे बना हुआ है वो बहुत जा सकते हैं। खुद के सोलो ट्रैवलर करना हो, चाहे आप फैमिली के साथ आ रहे हो या फ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसके साथ भी आ रहे हो, क्या पूरा प्लान होगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर, हम सब्सक्राइब करेंगे आपके चैनल को। प्लेसेस मैं इस वीडियो में आप सबके लिए दिल्ली। वाओ यार, क्या जबरदस्त बिल्डिंग है ये। ये बिल्डिंग है क्या है कि हमें मुझे इसमें क्या है समझ नहीं आ रहा। सबवे भी चल रही है यार दिल्ली में, क्या बात है। पब्लिक प्लेस, बिरयानी, फ्लैग दिस इंडियन। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पहुँचने के लिए भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन या फ्लाइट मिल जाएगी और आसपास के शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी। अब मेरे जो बैक साइड में आप देख रहे हैं ये है पुराना किला और दिल्ली में ये काफ़ी फेमस है और ये पड़ता है ठीक जू के पास में ही। इसका जो एंट्री टिकट है वो है 25 रुपीज़ है और ऑनलाइन टिकट अगर आप लेते हैं तो आपका 20 रुपीज़ में ही बुक हो जाएगा। इसके साथ ही बगल में यहाँ पे झील है जिसका कि एंट्री टिकट 20 रुपीज़ है। किला कितना बड़ा है यार। पुराने किले में ये आप जो देख रहे हैं ये है हुमायूं दरवाजा। हुमायूं यहाँ एक बादशाह था उसका, हिस्टोरिकल लुक देखने को मिलेगा। हाँ यार, लुक क्या लुक आ रहा है इस बिल्डिंग का यार। जहाँ पे आप गर्लफ्रेंड के साथ आए चाहे लोग यहाँ फोटो शूट बहुत जरूर करते होंगे, जबरदस्त अच्छा फोटो शूट करते हैं। गार्डन वगैरह है और किले के अंदर का काफी लुक है, उन चीजों के लिए आप यहाँ पर एक बार जरूर हम जरूर आना चाहते हैं आपके उधर। यहीं पे हुमायूं दरवाजा में बावली है और
ट्रॉली ऐसी आप कई जगहों पे दिल्ली में देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे भी है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे पूरा हिस्टोरिकल लुक आपको देखने को यहाँ वो क्या हो रहा है, गर्लफ्रेंड बैठी है, गार्डन्स भी हैं, और यहाँ कई बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये किले की दीवारें हैं यहाँ की, जो कि अब तो काफ़ी यहाँ पे टूट गई हैं, ब्रेक हो गई हैं, बट इस ब्रेकेज में ही इसका लुक अट्रैक्टिव लगता है, मज़ेदार लगता है। ये देख रहे होंगे ये बना हुआ है, इसके पीछे काफ़ी लोग लगे हुए हैं। आप यहाँ के क्राफ्ट म्यूज़ियम भी जाएं, जहाँ आपको अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा। इस टाइम मैं हूँ क्राफ्ट म्यूज़ियम में दिल्ली के, और अगर आप शहरी आबो हवा में ज़्यादा रहते हैं और थोड़ा गांव का लुक देखना चाहते हैं तो दिल्ली में भी ये चीज़ देख सकते हैं। बहुत से लोगों को इस जगह के बारे में नहीं मालूम होगा, बट ये भी यहाँ पर है और बहुत कम लोग जानते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर मिट्टी की सुराही रखी हुई है, और यहाँ पर ये देखिए पूरी यहाँ पे डिज़ाइंस वगैरह बनाए गए हैं, और पूरा ये जो हट बनाया गया है जैसे बनता है गांव में पूरी तरह वैसे ही बनाया गया है। गांव भी जाने के लिए चाह रहा हूं। यहाँ पे ये देख रहे होंगे आपको छोटे छोटे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, मतलब आपको हट बने जैसे गांव में पूरा लुक होता है, सेम वैसा लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मिट्टी के बर्तन यार, दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस के करीब मैं आ चुका हूँ, धीरे धीरे पहुँच रहा हूँ। ये पूरी लोकेशन ही राजपथ की इतनी क्लीन है यार, यहाँ पे आपके आके बहुत ही मजा आएगा। लेकिन ये खास दिल्ली की बिल्डिंग है, वो सबसे खास दिल्ली की बिल्डिंग, तो आप देख रहे जाना चाहते हैं ना, वो ये खास बिल्डिंग है। और आते ही इस बिल्डिंग का क्या नाम है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इंडिया गेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया गेट के नाम से भी जाना जाता था, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1921 में, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1931 में। और ये बेसिकली बनाया गया है 70,000 सोल्जर्स जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में शहीद हुए थे उनकी याद में, एज ए ये वॉर मेमोरियल है। और इसकी जो हाइट है वो लगभग 42 मीटर्स है। इसके साथ ही यहाँ पर एंट्री टिकट कुछ भी नहीं है, आप फ्री में यहाँ पे घूम सकते हैं। और जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग में 9 AM से लेके इवनिंग में आपका 8:30 PM तक, और शाम को यहाँ पर 6:30 बजे रिट्रीट वगैरह फंक्शन भी होता है। तो यहाँ पे तो आप ज़रूर आएँ, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, और आप कह सकते हैं इंडिया की और आपके दिल्ली की भी मोस्ट पॉपुलर प्लेस ये है। इंडिया गेट पर देश के शहीद जवानों की श्रद्धांजलि के लिए अमर जवान ज्योति 24/7 जलती रहती है। इंडिया गेट से आप फिर राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं। इंडिया गेट से ही लगभग 1.5 किलोमीटर सीधे आप जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे सीधे राष्ट्रपति भवन पे। राष्ट्रपति भवन का एरिया देख रहे होंगे कितना चौड़ा यहाँ पे रोड है, और बहुत ही गजब का यहाँ पे आपको लोकेशन दिखेगा, इवनिंग में और भी अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे आप चाहे तो राष्ट्रपति भवन में अपॉइंटमेंट लेके अंदर जा सकते हैं, पूरा का पूरा उसकी डिटेल आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पे, जहाँ पे आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं और अंदर गाइडेड टूर कर सकते हैं। और हालांकि कैमरा वगैरह अलाउ नहीं होता, और मैं अंदर अभी जा भी नहीं रहा हूँ, पर बहुत अच्छा होता है, मैंने अंदर जाना चाहिए। और देख रहे होंगे लोकेशन है, यहाँ काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लग गई, 4-5 साल पहले तक यहाँ पे ये सब नहीं होता था, आप सीधे डायरेक्टली जा सकते थे, अब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हो गया है। राष्ट्रपति भवन बिल्कुल यहाँ पे सब वो लोग इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मतलब यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये है राष्ट्रपति भवन, और यहीं पे राष्ट्रपति रहते हैं हमारे देश के। अच्छा, जो पीएम हाउस होता है वो है। जो आप एरिया देखेंगे एक बगल में, ये आप देखेंगे वित्त मंत्रालय है, यहाँ विदेश मंत्रालय है, और जितने भी बड़े बड़े जो भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं यहीं पे रहते हैं, और उनके ऑफिस वगैरह यहाँ पे हैं, रहते तो दूर दूर है थोड़ा सा। तो ओवरऑल यहाँ पे आप आएँ ज़रूर, और जैसा कि आपको बताया कि आप अपॉइंटमेंट लेके अंदर यहाँ का टूर कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहेगा। तो वो भी आप अपॉइंटमेंट के लिए वेबसाइट की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उससे आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेके बुक कर सकते हैं।
अब जब आप आए हैं राजपथ पे और इंडिया गेट देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं, तो इसको क्यों भूल रहे हैं, हमारे देश की संसद यानी कि पार्लियामेंट। यहाँ पे भी तो आपको आना ही पड़ेगा ना, आप टीवी पे तो इसको बहुत देखते होंगे, बट जब सामने से आप इसे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ दशहरा के टाइम पर गया था तो यहाँ जगह जगह भंडारा भी देखने को मिला। पुराना किला के पास में ही पड़ता है दिल्ली का जू। जू की एंट्री फीस एडल्ट के लिए 40 रुपीस है और चिल्ड्रन के लिए 20 रुपीस है। जू है दिल्ली का जू, आप इस बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल से भी घूम सकते हैं और इसका जो फेयर लगेगा वो 70 रुपीस लगेगा एडल्ट का और 30 रुपीस चिल्ड्रन का। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है हिप्पोपोटामस और अभी ये पानी में धीरे धीरे जा रहा है और बहुत ही हैवी है, 3000 kg इसका वेट होता है और 5 मिनट तक ये पानी के अंदर रह सकता है बिना ऊपर आए। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में टाइगर, लॉयन, डियर, राइनो, बियर और कई बर्ड्स भी हैं। आप यहाँ मॉर्निंग में जाएंगे तो आपको भीड़ भाड़ कम मिलेगी। और तो ये दिल्ली का जू है और यहाँ पर बहुत जबरदस्त यार, जू बड़ा जबरदस्त। कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि काफी दूर दूर है और बाकी यहाँ डियर वगैरह जो है वो तो दिख जा रहे हैं, बट जो टाइगर्स वगैरह मैंने देखे वो नहीं दिख पा रहे हैं ज्यादा। ओवरऑल ठीक ठाक प्लेस है, फैमिली के साथ बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो यहाँ पे जरूर आए। अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ओला बाइक का यूज कर सकते हैं। नेशनल साइंस सेंटर, ये है नेशनल साइंस सेंटर और यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहे होंगे, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे बने हुए हैं और जल संरक्षण से जुड़े यहाँ पे बेसिकली जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ दिया हुआ है। आपको बहुत बड़ा म्यूजियम है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ के नेशनल साइंस सेंटर जरूर जाएं। नेशनल साइंस सेंटर आपके लिए बहुत ही साइंटिफिक, नॉलेजबल और एंजॉयमेंट से भरा टूर होगा। अगर आप साइंस म्यूजियम में बच्चों के साथ आ रहे हैं तो काफी बच्चे आपके एंजॉय करेंगे। साइकिल तो हमने बहुत चलाई होगी बट इसके अल्टन के साथ अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये साइकिल चल रही है वो भी चला रहा है। वाओ, साइंस एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो ये है। इसके साथ ही यहाँ पर हिस्ट्री म्यूजियम भी है और यहाँ 3D शो, साइंस शो और प्लैनेटोरियम भी है जिसकी अलग अलग टाइमिंग है। ये है हुमायूं टॉम और यहाँ पे कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग वगैरह भी हुई है, उसमें से एक है जन्नत 2, इसकी यहाँ पे वो एक सॉन्ग था ना जैसे तू ही मेरा, वो सॉन्ग की शूटिंग यहाँ पर भी हुई थी। तो देखते हैं अंदर से इसको कैसा है। वाओ, किला बड़े जबरदस्त है यार। तो मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे, ये है हुमायूं का मकबरा और काफी बड़ा सा है ये, शहजादा था ना वो कोई, जैसा कि ताजमहल में आप देखते होंगे कि ये होता है वहाँ पे संगमरमर वगैरह का, बट ये पूरी तरह से पत्थर का बना हुआ है, लाल पत्थर का। तो हुमायूं टॉम का ये आप बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे और साथ ही साथ यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं काफी। राजा लोग जो थे ये लिफ्ट क्यों नहीं लगवाते थे, लिफ्ट लगवाते। राजा लोग थे यार, लिफ्ट तो नहीं बनती है। इस मकबरे के अंदर मुगल परिवार की 100 से अधिक कब्रें भी हैं, जिस वजह से इसे मुगलों का शहनागार भी कहते हैं। हुमायूं का मकबरा बनाया गया था 1565 में और ये हुमायूं के डेथ के 9 ईयर बाद बनाया गया था। यहाँ का जो एंट्री टिकट है वो है 30 रुपीज़ से 35 रुपीज़ है। 35 रुपीज़ मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है, दिया है। अगर आपको लंबी लंबी लाइन से बचना है तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा और तुरंत हो जाता है वो। साथ ही साथ यहाँ की जो टाइमिंग है वो है आपकी मॉर्निंग में 8 AM से लेके इवनिंग में 6 PM तक।
हुमायूं के मकबरा के ठीक पास में ही ईशा खा का मकबरा भी है। इसमें मकबरा के साथ मस्जिद भी है और ये 1547 में बना था। हुमायूं टॉम से ही कुछ दूरी पर पड़ता है लोदी गार्डन और ये भी काफ़ी पॉपुलर प्लेस है। यहाँ पे भी बिल्डिंग आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आप देखने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है यार, और इवनिंग वगैरह में भी वॉक के लिए साफ सुथरा, ये प्लेस भी घूमने के लिए बहुत ही पॉपुलर। मुझे अभी तक कोई गंदगी दिखी नहीं है और ये बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत खूबसूरती को बढ़ा रही है इस चीज़ की, इंडिया की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। लो यहाँ पे फोटोशूट बहुत करते। ये है बड़ा गुंबद मस्जिद और ये है लोदी गार्डन में ही। और यहाँ पे जो आपका एंट्री वगैरह है वो पूरी तरह से फ्री है क्योंकि ये गार्डन है, यहाँ पे कुछ ऐसा लगता नहीं है और काफ़ी बड़ा गार्डन है ये। यहाँ पे जो टाइमिंग्स वगैरह है वो मॉर्निंग में आप 5 AM से लेके इवनिंग में सनसेट तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे लोग आते भी हैं, लोकल्स भी आते हैं, तो आप भी यहाँ पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। Nice video. बहुत अच्छा उन्होंने कहा है। अगर आप बिल्कुल ही बजट ट्रैवलर हैं तो आप दिल्ली में साइकिल से भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, सिंपली मोबाइल ऐप से या फिर मेट्रो कार्ड से इसे पेमेंट कर सकते हैं। ये लॉक जो रहता है ओपन हो जाएगा, उसका पूरा प्रोसेस वहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे। आप यहाँ पे सिंपली बहुत जगह ऐसे आपको स्टैंड दिख जाएंगे और आप साइकिल लेके भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ये है दिल्ली की जनपथ मार्केट जो कि लोकल्स के बीच और बाहर वालों के बीच भी सभी के बीच काफ़ी पॉपुलर मार्केट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए और आप भी यहाँ पे ज़रूर आएँ। यहाँ पे हर तरह के कपड़े, हर तरह की वैरायटी, हर तरह की क्वालिटी आपको मिल जाएगी। और मैं आ चुका हूँ सीपी में, यानी कि कनॉट प्लेस की मेन मार्केट में। और यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा रश देखेंगे, बीच की छुट्टियाँ चल रही हैं, दशहरे का दिन है आज, तो यहाँ पे काफ़ी लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं। और ये बहुत पॉपुलर प्लेस है, बहुत सारी मूवीज़ में आप इसका सीन देख चुके होंगे इस मार्केट का, साथ ही साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स भी यहाँ पर आते रहते हैं। तो यहाँ पर तो आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि ये दिल्ली की आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कॉस्टली प्लेस भी है। ओ वाओ, जबरदस्त रोड यार, क्या दिल्ली है। कनॉट प्लेस के पास में ही पड़ता है जंतर मंतर, कुछ आप देख रहे होंगे कुछ राम यंत्र हैं, सम्राट यंत्र है, अलग अलग नाम हैं इन चीज़ों के। और यहाँ पे भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। जो एंट्री टिकट है यहाँ का वो है 25 रुपीज़ अगर आप कैश देते हैं, ऑनलाइन अगर आप देते हैं तो यहाँ का 20 रुपीज़ लगता है एंट्री फीस। दिल्ली सीरीज़ की ये पहली वीडियो थी, सेकंड पार्ट में आप दिल्ली की कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस के साथ पराठे वाली गली घूमेंगे और दिल्ली का टूर प्लान और बजट भी जानेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब बिफोर बिटवीन। नाइस वीडियो यार, बहुत जबरदस्त वीडियो थी और बहुत हमने देखा दिल्ली को, दिल्ली की खास खास प्लेसेस देखी हमने और वो बहुत अच्छी लगी। जिसमें से सबसे पहले दिखाया उन्होंने इंडिया गेट, जिसमें इंडिया का गेट है जो दिल्ली का मेन पार्ट है यार, जो मैंने कहा मैंने सुना दिल्ली में तो ताजमहल भी था, है ना, दिल्ली में ताजमहल है, लेकिन ताजमहल नहीं दिखाया उन्होंने, तो वो बाद में शायद अगली वीडियो में दिखाएंगे अपनी। लेकिन जो इनकी ये वीडियो आई थी तो हमने इन पर रिएक्शन करा, उन पर बहुत ज़बरदस्त वीडियो चलती हैं और पूरा दिल्ली दिखाने वाले हैं हम इस सीरीज में, और बहुत ज़बरदस्त है ये। मुझे क्या क्या अच्छा लगा, बहुत सारे मकबरे अच्छे लगे, बहुत सारे किले अच्छे लगे और साफ था, क्लीन था एरिया, कहीं मुझे डस्ट वगैरह न कर, ना कचरा, ना कूड़ा, ना कटकट, बहुत क्लीन रखा हुआ इन्होंने इंडिया को, दिल्ली को। और बहुत ज़बरदस्त इनकी कमेंट्री थी, हर चीज़ एक बात बता रहे थे कि ये मैं यहाँ गया और मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा यार। और आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए कोई नहीं रह सकता, लेकिन जब तक हमारी जिंदगी हम आपसे लेना चाहते हैं, आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। काश के इंडिया और पाकिस्तान कभी अलग होते ही नहीं, तो हम लोग एक जैसा ही मुल्क होता, अच्छा सा मुल्क का नाम होता और हम लोग सब बसर बसर कर रहे होते। तो बहुत ज़बरदस्त यार, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बहुत ज़बरदस्त। इनकी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और हमें कॉपीराइट मत दीजिएगा क्योंकि हम आपका लिंक दे रहे हैं। चले सी यू, ओके गुड बाय, सी यू। आमिर खान को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।